हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सिखाऊंगी। अगर आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बिल्कुल भी नहीं आता है ना, तो अगर आप मेरी वीडियो लास्ट तक देखते हो तो आप केमिकल इक्वेशन को चुटकियों में बैलेंस कर लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम सल्फेट। तो पहला काम क्या होता है, हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि हमें इसे फॉर्मूले में लिखना होता है। तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। एरो बना लेते हैं। कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CuOH2 प्लस सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2SO4। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद होगा ना, या फिर अगर आपको फॉर्मूला बनाने नहीं आता होगा, तो आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला बनाने आना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला बनाना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको बहुत आसान तरीके से फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगी। अब चलिए हम इसे क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें तीन कॉलम बनाने होंगे। सबसे जो पहला कॉलम है उसे लिखते हैं हम नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं हम रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट, और यहाँ पर हम लिखते हैं प्रोडक्ट। ये तो आपको पता ही होगा ना कि एरो के इधर वाले को क्या कहते हैं, हम रिएक्टेंट कहते हैं, और इधर वाले को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। अब देखो इसमें कौन कौन सी एटम्स हैं, कॉपर Cu, सल्फर S, ऑक्सीजन O, और क्या है, सोडियम Na। ओ तो हमने ऑलरेडी लिख दिया है, एच लिख लेते हैं। ठीक है, देखो अब देखेंगे कोई छूट तो नहीं रहा। तो देखो कॉपर सल्फर ऑक्सीजन सोडियम हाइड्रोजन, और जो ये ऑक्सीजन है ये तो हमने पहले लिख दिया है, हम कोई एक एटम को दो बार नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब चलो काउंट करते हैं कि कितने एटम हैं। तो कॉपर कितना है रिएक्टेंट साइड, 1, और इधर कितना है, 1, तो हम लिख देंगे 1, और इधर भी कितना है, 1। ठीक है, अब देखो सल्फर इधर कितना है, 1, और सल्फर इधर कितना है, 1, तो 1 और 1। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन कितना है, 4, और ऑक्सीजन इधर कितना है, देखो सॉरी ये 4 नहीं है, ये ऑक्सीजन कितना है, 4, और ये ऑक्सीजन कितना है, 1, यानी कि 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5, 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5। अब इधर देखो ऑक्सीजन, जो ये ऑक्सीजन है कितना है, 2, और ये कितना है, 4, यानी कि 2 प्लस 4 कितना हो गया, 6। अब देखो, अब हम देखेंगे सोडियम कितना है, सोडियम इधर 1, और इधर पे कितना है, 2, तो इधर लिखेंगे 1, और ये इधर लिखा हमने 2। अब देखो हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 1, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन कितना है, 2। देखो जो ये 2 है ना वो H का भी है, और ये जो 2 है वो O का भी है। तो ऑक्सीजन भी यहाँ पे कितना काउंट कर रहे थे हम, 2, और हाइड्रोजन भी कितना काउंट करेंगे, 2। तो देखो यहाँ पर सोडियम लिख दिया हमने 1, और इधर सोडियम लिख दिया हमने 2। ठीक है, अब हम हाइड्रोजन काउंट करेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 1, और इधर साइड पर हाइड्रोजन कितना है, 2। ठीक है, अब देखो हमें बैलेंस क्या क्या करना है। हमारा कॉपर बैलेंस है, हमारा सल्फर तो ऑलरेडी बैलेंस है, हमें बैलेंस क्या करना है, ऑक्सीजन बैलेंस करना है, सोडियम बैलेंस करना है, और हाइड्रोजन, ये दोनों तो हमारा ऑलरेडी बैलेंस है। और देखो जब कभी भी दो तीन नंबर, जो दो तीन एटम होते हैं इनको बैलेंस करने के लिए आता है, तो हमें ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को सबसे बाद बैलेंस करना चाहिए। अगर कोई और एटम होता है तो सबसे पहले हमें उसे बैलेंस करना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सोडियम को बैलेंस करेंगे। चलो अब करना क्या है, जो ऊपर हमने ये फॉर्मूला लिखा था ना वो एग्जैक्ट हम नीचे भी लिख देंगे। ठीक है, तो इधर देखो लिखते हैं अंदर CuSO4 प्लस NaOH CuOH2 प्लस Na2SO4।
ठीक है। अब देखो करना क्या है, सबसे पहले हम सोडियम को बैलेंस करते हैं। इधर पे सोडियम कितना है 2 और इधर कितना है सोडियम रिएक्टेंट साइड पे 1, तो हमें इसे भी कितना करना है 2 करना है। हम कम नहीं कर सकते कि इधर 2 है तो एक ख़त्म कर देते हैं 1 कर देते हैं, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे कितना है 1, तो हमें यहाँ पे एक और एड ऑन करना होगा। यहाँ पे हमें कितना करना होगा, बराबर करना होगा, इक्वल, ठीक है। तो इधर देखो सोडियम कितना है 2 है और इधर कितना है 1, तो हम इसके आगे नंबर लगा देंगे 2। अगर बताओ अगर मैं वहाँ पे 1 लगा दूँ, क्या लगाऊँ यहाँ पर 1, तो ये तो 1 ही रह जाएगा ना, तो मैं यहाँ पे क्या लगा रही हूँ 2। तो सोडियम कितना हो गया 2 और ये सोडियम कितना हो गया 2, ये तो और पहले से 2 था ही। अब देखो एक बात जो आपको याद रखनी है कि जो नंबर आगे होता है ना वो सबका होता है। जैसे जो मैंने सोडियम के आगे क्या लिख दिया 2, तो ये जो 2 नंबर है वो सोडियम का भी है, ये 2 नंबर ऑक्सीजन का भी है और ये 2 नंबर हाइड्रोजन का भी है। लेकिन ये 2 कहाँ लिखा हुआ है, सोडियम के आगे, तो ये सिर्फ किसका है, सोडियम का है। ये जो 4 नंबर है कहाँ लिखा है, ऑक्सीजन के आगे, तो ये सिर्फ जो 4 है ना ये सिर्फ ऑक्सीजन का है, ये सल्फर का नहीं है और ना ही ये सोडियम का है। तो अगर नंबर आगे लिखा होता है तो ये सिर्फ उसी एटम का होता है, मतलब इसकी इधर आगे साइड पे, और अगर नंबर इसके पीछे साइड पे लिखा होता है ना तो ये सोडियम का भी है, ये ऑक्सीजन का भी है और ये हाइड्रोजन का भी होता है, ठीक है। अब देखो अब हम क्या करेंगे, दोबारा से काउंट करेंगे, क्योंकि हमने अभी एक नंबर ऐड करा है ना 2, तो हम दोबारा काउंट करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम दोबारा टेबल बनाएंगे, ये वाली यहाँ पे मैं बना लेती हूँ, ठीक है। इधर लिखते हैं नंबर ऑफ एटम, यहाँ लिखते हैं हम रिएक्टेंट और यहाँ पर लिखते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो जो आपने यहाँ पर लिखा था ना वो डिट्टो हमको यहाँ लिख लेना है, हम लिख लेते हैं CuSONa और H, ठीक है। अब काउंट करते हैं यहाँ से, यहाँ से गलती से मत काउंट कर देना। अब हम कहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ से कॉपर कितना है यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना है 1, तो लिख देंगे 1 और 1। अब सल्फर काउंट करते हैं, सल्फर कितना है 1 और यहाँ पे सल्फर कितना है 1, तो 1 और 1। अब ऑक्सीजन काउंट करते हैं, अब इधर देखो ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 4 और अब ये जो 2 है वो किसका है, अब ये 2O का भी है ना, तो 4+2 कितना हो गया 6, 4+2 कितना हो गया ये 6। अब इधर साइड में काउंट करते हैं, ये ऑक्सीजन कितना है 2 और ये कितना ऑक्सीजन 4, यानी कि 2+4 कितना हो गया 6। अब हम सोडियम देखते हैं, कितना है सोडियम 2 और ये सोडियम कितना है 2, तो 2 और 2। अब हाइड्रोजन काउंट करते हैं, इधर देखो ये जो नंबर आगे हमने लिखा है 2, ये तो सोडियम का भी है, ऑक्सीजन का भी है, तो हाइड्रोजन का तो होगा ही, तो ये किसका है नंबर, हाइड्रोजन का भी, यानी कि हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पर 2 हो गया है। और यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन कहाँ गया, ये रहा, तो ये भी किसका है, यानी हाइड्रोजन यहाँ भी कितना है 2। तो अब देखो कॉपर बैलेंस, सल्फर बैलेंस, ऑक्सीजन 6 और 6 बैलेंस, सोडियम बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, हेंस दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन था हमारा, ये बैलेंस फॉर्म में नहीं था और अभी ये क्या हो गया है, बैलेंस हो गया। देखा आपने कि एक सोडियम को बैलेंस करा और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो अपने आप बैलेंस हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो ये 2 हमने आगे लिखा था सोडियम के, वो ऑक्सीजन का भी हो गया था और वो हाइड्रोजन का भी हो गया था, सो सिंपल। तो देखा आपने कितनी आसानी से समझ में आ गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो उसे प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और ऐसे और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। That's all. Bye guys.